डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसी के अंतर्गत हम लोग को इंटीजर भी मिलेगा पढ़ने के लिए। तो रेशनल नंबर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पहले क्लियरली हम लोग देखते हैं। रेशनल नंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रेशनल नंबर में फर्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? तो एक ऐसा नंबर जिसमें जो वन से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू अनलिमिटेड तक, इन्फिनिटी तक ये कंटिन्यू जाता है। जैसे नेचुरल नंबर्स में हो जाएगा, वन से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम लोग नेचुरल कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड एक्सेट्रा, कंटिन्यूअस चलते जाएगा। सेकंड टॉपिक हम लोग का है होल नंबर्स। होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होता है और यह भी नेचुरल नंबर की तरह कंटिन्यूअस फॉलो करते चला जाता है। ये हो गया आपका होल नंबर। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में आते हैं इंटेजर्स। इंटेजर्स वैसे नंबर्स को कहते हैं कि ये इंटेजर्स हम लोग बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डियर प्रॉपर्टीज अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इंटेजर्स। हम लोग पूछ सकते हैं इंटेजर्स में वो सारे नंबर्स आते हैं जीरो एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल्सो नेगेटिव नंबर्स। तो इसमें जीरो के साथ साथ पॉजिटिव और प्लस नेगेटिव ये सारे होल ये भी काउंटलेस, ये भी काउंटलेस मतलब अनलिमिटेड तक जाएगा, ये भी अनलिमिटेड तक जाएगा। इस पूरे नंबर्स को हम लोग इंटेजर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आते हैं तो रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शंस। और ये फ्रैक्शंस हमेशा रेशियो के फॉर्म में होगा, मीन्स डिवाइडेशन के फॉर्म में होगा, जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है, सो ऑन। इस तरह से कंटिन्यू आपको इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स हम लोग किसको कहते हैं? तो रेशनल नंबर्स एक ऐसा नंबर्स जो p by q के फॉर्म में हो, मींस a by b के फॉर्म में हो, इस तरह से हो। लेकिन ध्यान रहे कि ये p by q के फॉर्म में होगा, वेयर q एक कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q कभी भी जीरो के बराबर हो गया, दैट मीन्स वो रेशनल नंबर नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग लें, 1/5, 5/2, -1/5, -2/3, 7/2, 8/9, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। और इस रेशनल नंबर्स में हम लोग दो तरह के रेशनल नंबर्स को यहाँ पर डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और दूसरा निगेटिव रेशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में 1/5, 7/2, 8/9 इसमें से हम लोगों ने ले लिया, जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको एक साथ कर लिए, इसको पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कहेंगे। और अनदर जो हो गया वो निगेटिव रेशनल नंबर, जैसे -5/2, -1/2, -2/3 एंड ऐसे इसको ये भी बोल सकते हैं कि 5/-2 भी ये भी एक रेशनल नंबर ही है। जैसे कि अपन ने यहाँ लिया है 5/-2, ठीक, इसको भी हम लोग रेशनल नंबर से ही कहते हैं। तो ये होल टॉपिक्स आपका क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर, ये सारे बेसिक नॉलेज है। इसको पहले जानने के बाद तब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इसको, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का वो, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। थ्री प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का हो जाएगा, इसको भी हम इरेज करते हैं, थ्री प्रॉपर्टीज में हम लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ना है। पहला प्रॉपर्टी हम लोग का हो गया कि यदि फर्स्ट में हम लोग का है कि अगर p by q में कोई नंबर है, ठीक है, और n r by s, ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा बताता है कि टू रेशनल नंबर्स p by q एंड r by s आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। इसको हम लोग दोनों नंबर्स को इस नंबर दोनों नंबर्स को हम लोग इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब यह p इंटू एस इज इक्वल टू आर इंटू क्यू, आर इंटू क्यू।
अगर ये इस फॉर्म में आता है तो ये इक्विवेलेंट नंबर्स होता है। अगर ये दोनों इक्वल हो जा रहा है दैट मीन्स ये नंबर्स क्या है, इक्विवेलेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि इफ पी बाई क्यू इज रेशनल नंबर एंड एम बी एनी इंटेजर डिफरेंट फ्रॉम जीरो देन ऑल्सो इक्विवेलेंट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पी बाई क्यू कोई एक रेशनल नंबर है, अपन अगर हम लोग इस नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं सिमिलर नंबर से। सिमिलर नंबर का मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग इसको p बाई क्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं m से और इधर भी m से, तो जो हमारा जो दो नेक्स्ट जो मल्टीप्लीकेशन के बाद p इंटू m जो नंबर मिलेगा और q इंटू m, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसका किसका, यानी p बाई क्यू इज इक्वल टू P इंटू एम बाई क्यू इंटू एम। इसके लिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यदि मान लीजिए 5 बाई 2 ले लेते हैं रेशनल नंबर, ऐसे रेशनल नंबर को लेना हम तो इस तरह से नहीं लेंगे, हम लोग इसका रेशनल नंबर लेंगे 2 बाई 5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर 3 से करते हैं ऊपर भी और 3 से नीचे भी, तो हमको जो नंबर मिलेगा 3 2 6 बाई 5 3 15। तो अभी 5 6 बाई 15 जो होगा वह 2 बाई 5 का इक्विवेलेंट होगा। अगर हम इसको चेक करके देखना भी चाहेंगे तभी भी हम समझ जाएंगे कि जैसे मान लीजिए जैसे 2 × 15 इज इक्वल टू 5 × 6, तो 15 × 2 = 30 इज इक्वल टू 6 × 5 = 30 फुट। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमारा है, थर्ड प्रॉपर्टी होगा कि p बाई क्यू इज अवर रेशनल नंबर। देखिए p बाई क्यू एक ऐसा रेशनल नंबर होगा जिसको हम p में डिवाइड करते हैं m से या q में डिवाइड कर देते हैं m से, तो भी हमारा जो नंबर जो डिवाइड के बाद मिलेगा वो क्या मिलेगा हमारा, वो भी नंबर जो है हम लोग का इक्विवेलेंट नंबर मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल इसके साथ भी हम लोग लेकर के देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 3/2 एक नंबर हो गया, ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं 3 डिवाइड, जैसे जैसे हम दूसरा कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि m से अगर करना हो एक 12 ले लिए और दूसरा ले लीजिए 6। अगर हम इसको 12/6 लेकर के इसको डिवाइड कर दिए 2 से, इसको भी डिवाइड कर दिए 2 से, तो जो नंबर हमारा आएगा यहाँ पर 6/3 आएगा। तो ये जो होगा 12/6 इज इक्वल टू 6/3, दोनों इक्विवेलेंट नंबर है। इसको आप अगर प्रूव करके देखना चाहते हो तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं 12 × 3 इज इक्वल टू 6 × 6 36 = 36। That's next topic. Next आगे हम लोग next video में पढ़ेंगे।